भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुंब्रा के बाबा जी शखराम पाटिल विद्यालय में और यहां पर जो है एक मेडिकल कैंप का जो है आयोजन किया गया था अंजुमन इत्तेहादुल तंबोली जमात मुंब्रा और प्लैटिनम हॉस्पिटल के सौजन्य से जो है ये मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था और यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टर जो है लगे हुए हैं जो पेशेंट को चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ यहाँ पर अंजुमन इत्तेहाद के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह का ये जो आज मेडिकल कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया, इस कैंप में जो है किस तरह की जो दवाइयाँ दी जा रही है, क्या ये बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और भी क्या क्या चीज़ की इस कैंप में फैसिलिटी है। बेशक देखो, इंसान सबसे बड़ा काम करता है खिदमत का, और वो खिदमत अंजुमन इत्तेहाद तंबोली जमात महाराष्ट्र और उसके ज़रिए मुंब्रा यहाँ की जा रही है। यहाँ मेडिकल जो कैंप लिया जा रहा है वो सिर्फ तंबोली जमात के लिए नहीं, बल्कि हर समाज का, हर जात का, हर धर्म का जो भी शख्स आएगा, जो भी हमारी माँ बहनें आएगी, उनके लिए ये चेकअप, मेडिकल चेकअप पूरा फ्री रखा गया है। किसी से कुछ भी लेन देन नहीं, कुछ नहीं। वो आए चेकअप करे, कोई उनको ज़रूरत हो वो दवाई यहाँ फ्री दी जा रही है। हर चीज़ से यहाँ पूरा इंतज़ाम किया गया है। आप लोगों का जैसे अगर किसी पेशेंट को अगर यहाँ पर लंबे प्रोसेस की ज़रूरत है, लंबा इलाज उसका है, तो क्या इस कैंप के जरिए उसका हॉस्पिटल में, जो यहाँ हॉस्पिटल बताया गया है प्लैटिनम हॉस्पिटल, तो क्या इस हॉस्पिटल में जो है इसका इलाज मुफ्त में किया जाएगा या फिर किसी तरह का कुल से चार्जेबल रहेगा जैसे लंबे इलाज के लिए? देखो, अगर बाहर जिस बीमारी के लिए 1,00,000 रुपये लगते हैं, तो ये मेडिकल कैंप के ज़रिए वो पेशेंट जाता है तो उसका इलाज 10,000 रुपये तक हो सकता है। ये प्लैटिनम जो हॉस्पिटल है उन्होंने हमको ये कहा है कि हम उसके साथ पूरी खिदमत कर देंगे उस पेशेंट की। आप प्लैटिनम हॉस्पिटल से यहाँ कैंप पे आई हैं, तो क्या नाम है आपका? माई सेल्फ डॉली शुक्ला, आई एम फ्रॉम सत्य साई प्लैटिनम हॉस्पिटल। वहाँ के ओनर हैं हमारे संजीव पॉल सर, डॉक्टर संजीव। आज जो यहाँ पर आज कैंप का आयोजन किया गया है, तो आप लोग सुबह से यहाँ पर हैं, तो लगभग कितने पेशेंट को आप लोगों ने अभी तक देखा है? अप्रॉक्स हम लोगों ने आई गेस 80 क्रॉस कर चुके हैं, एंड आई होप अभी और भी लाइंस हैं बाहर। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो मुंब्रा शहर में है यहाँ पर किस तरह के अभी तक पेशेंट आए हैं, किस तरह की बीमारियाँ जो हैं सामने आ रही हैं? नाउडेज बेसिकली ये वेदर चेंज, तो कोल्ड एंड कफ, चेस्ट आजकल ये कॉमन है, जो हमारे बीच में लोग रहते हैं उनको ज़्यादा करके अभी चेस्ट पेन, हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, हार्ट एंड किडनी। तो मैंने तो अभी सुबह से 30-40 मैंने ये पेशेंट्स देख चुके हैं जिनका अभी थोड़ा बहुत वेरिएशंस लगा है, तो ऐसा लगा कि वो अभी ठीक हैं, एबल हैं काम करने के। बाकी जो है मुझे रेफ़र करने लायक लगे, मैंने किया है। कितने जो है रेफ़र करने जैसे पेशेंट कितने आए यहाँ पर, और क्या जो रेफ़र किया गया वो आपने किसी अन्य हॉस्पिटल में किया है या जो है प्लैटिनम हॉस्पिटल में किया? ऑफकोर्स मैं अपने ही हॉस्पिटल में करूँगी, बिकॉज वहाँ पे बाईपास और एवी फिशुला, किडनी स्टोन ये सब फ्री में किया जाता है, तो जो एफोर्डेबल नहीं होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सीखते हैं और लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ करने का चांस मिलता है, वो करते हैं अपने साइड से। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, सुबह से जो है डॉक्टर यहाँ पर करीब 3 से 4 डॉक्टर हैं जो लगातार इसी तरह से पेशेंट देख रहे हैं, और तकरीबन जो है 150 से 200 पेशेंट जो है अब तक यहाँ पर देख चुके हैं ये डॉक्टर, और कुछ पेशेंट को जो है यहाँ से प्लैटिनम हॉस्पिटल में रेफ़र भी किया गया है जिनका इलाज वहाँ पर किया जाएगा। ख़ास तौर पर इस कैंप का जो आयोजन किया गया है इसमें किसी तरह का चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और आगे भी हॉस्पिटल की तरफ से जो है उनका इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।